हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर सीरीज ऑन एंजाइम्स टॉपिक. ओके, तो ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है एंजाइम्स, राइट. तो एंजाइम्स होते क्या हैं? बहुत बार सुना है हमने ये वर्ड. बेसिकली दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल एंड एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट. अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? फर्स्टली दे आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल साइकिल एंड कैटलिस्ट. अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो कैटलिस्ट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. वट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं कि एनी थिंग विच कैन स्पीड अप द रिएक्शन, राइट, विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन. मतलब रिएक्शन में वो खुद कंज्यूम नहीं होता, आफ्टर डूइंग द रिएक्शन कैटलिस्ट हमें दोबारा वापस मिल जाता है, राइट. बट इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, राइट. तो सेम वे में द एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस. बट है क्या ये बायोलॉजिकल सिस्टम में? तो बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको एंजाइम क्या करता है? स्पीड अप करता है, बट नॉट इन्वॉल्व और यूज अप इन द प्रोसेस. सेम वे में जैसे हम नॉर्मल कैटलिस्ट को पढ़ते हैं, राइट. तो दैट्स वाई इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, बिकॉज आफ्टर डूइंग द होल रिएक्शन एंजाइम ने हमें वापस दोबारा मिल जाना है, तो हम उसी एंजाइम को दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं फॉर कैरिंग आउट न्यू रिएक्शंस, राइट. तो दिस इज द अनदर डेफिनेशन. कुछ भी लिख सकते हो कि एंजाइम की डेफिनेशन आती है. तो एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज कैटलिस्ट बट इन द लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग सिस्टम. Regulating the rate at which chemical reaction proceed without itself being altered in the process. Same definition है, ये हमने कर लिया, right? Now, this is the flow chart which can better tell you कि this is enzyme. Enzyme firstly present in biological system, present in living cell. It converts substrate into the product. Catalyst है. नॉर्मल हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं. मान लो R1, R2 है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट किए तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया. इन द सेम वे, ठीक है, जो एंजाइम है दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इन दिस टू रिएक्टेंट्स और मोर रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट विद वन अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट. थर्ड थिंग, इट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन. वाई इट रिमेन अनचेंज इन द केमिकल रिएक्शन? बिकॉज इट एक्ट एज कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन, मतलब इट इज़ नॉट यूज अप इन द रिएक्शन. आफ्टर डूइंग होल रिएक्शन वी कैन गेट आवर कैटलिस्ट बैक, राइट. इट कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो दीज आर 5 or 6 मेन पॉइंट्स विच डिस्क्राइब्स एंजाइम इन बेटर वे, राइट. हैव अ लुक ऑन इट. नाउ सम ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द डिस्कवरी, राइट. ऑल्दो इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट वी कैन डू द बेसिक ऑफ एंजाइम इन द टू डेज लेक्चर. आज के लेक्चर में मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए. वी आर जस्ट डूइंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं. कल से जितने भी लेक्चर्स होंगे आई विल प्रोवाइड द हैंड रिटन नोट्स, राइट. तो हिस्ट्री में द फ्रेंच केमिस्ट पायन वॉज फर्स्ट टू डिस्कवर द एंजाइम डायस्टेज इन 1833 में डायस्टेज एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी. एंड इन 1878 अनदर साइंटिस्ट विलहेल्म, राइट, उसने वर्ड एंजाइम को यूज किया टू इंडिकेट द कैटालिसिस टेकिंग प्लेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. तो देयर आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. डायस्टेज इज डिस्कवर्ड बाय पायन, राइट, एंड द वर्ड एंजाइम, एंजाइम वर्ड किसने दिया था? विलहेल्म ने, राइट. थर्ड चीज आती है, फ्रॉम द यीस्ट एंजाइम इज आइसोलेटेड एंड इट इज आइसोलेटेड बाय बुकनर, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज होती गई. तो नेक्स्ट नॉमनक्लेचर.
नॉमनक्लेचर कैसे है, जैसे कुछ भी अगर डिस्कवर होता है तो धीरे 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 उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. तो ट्राइबिलिय जो हमारे पास नॉमनक्लेचर था, ठीक है, इन द अर्ली डेज एंजाइम्स वर गिवन नेम्स बाय देयर डिस्कवरर्स इन द आर्बिट्रेरी मैनर. पहले कुछ भी ऐसे रूल नहीं था, ठीक है, जब हमारे पास एंजाइम्स की डिस्कवरी होने लगी तो जिसने इसको डिस्कवर किया उसके नेम के पीछे पीछे उसको वैसे ही उसका नेम दिया जाने लगा. बाद में ये चेंज हो गया पैटर्न एंड आफ्टर सम टाइम एवरी एंजाइम, हर चीज़ के पीछे एज लगता है, ठीक है, डायस्टेज, माल्टेज, यूरिएज, ठीक है, ट्रांस अमाइनेज, अगर एज लगा हुआ है इट मीन्स इट इज एंजाइम, राइट. फॉर एग्जाम्पल लाइपेज, लाइपेज क्या है, इट इज एन एंजाइम विच कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड, राइट. तो जैसा उसका काम था वैसा ही उसको नेम दे दिया गया एंड एज उसके पीछे लगा दिया. दिस इज द ट्राइविली नोमनक्लेचर जो पहले यूज किया जाता था. इसके कोई भी ऐसे ऐसा रूल्स नहीं थे, राइट. फॉर एग्जाम्पल माल्टेज, माल्टेज एज अ नेम इंडिकेट माल्टोज पे इसका काम है. यूरिएज, यूरिया सबस्ट्रेट है, इस पे रिएक्शन करेगा. प्रोटीएज नेम इंडिकेट इट वर्क ऑन प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेज, एज लग गया पीछे इट मीन्स इट इज एंजाइम बट इट कैन वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट. लाइपेज, लाइपेज इट वर्क ऑन लिपिड. हाइड्रोलिसिस इट मीन्स इट कैन डू द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. डी अमाइनेज इट मीन्स इट रिमूव अमीन्स, डी मीन्स रिमूवल, राइट. तो दिस इज द सम बेसिक एंजाइम्स विच वर्क ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको नेम दे दिया गया और सुफिक्स इनके पीछे क्या लगा दिया गया, एज. बट जो न्यू नोमनक्लेचर है, जैसे हम केमिस्ट्री में लिखते हैं, एक तो हमारे पास नॉर्मल नोमनक्लेचर हो गया, ठीक है, एक हम लिखते हैं आयुपैक नोमनक्लेचर जिसके रूल्स हैं, कुछ हमारे पास सारे पैटर्न्स बने हुए हैं कि हमने ये शॉर्ट चेन लेनी है, लॉन्ग चेन लेनी है, सब्सटेंस का नंबर देखना है. तो सेम वे में जो क्लासिफिकेशन है एंजाइम की अकॉर्डिंग टू IUBMB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, उसने कुछ रूल्स दिए. उसने ये बोला कि जो पहले वाला नॉमनक्लेचर था कि आप सिर्फ एज लिखते हो, देखते हो कि किस पे रिएक्शन होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम दे देते हो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है. उसने क्या कहा कि एज तो आपने लगाना है, दिस इज ओके, बट एवरी एंजाइम हैज सम ईसी नंबर. ईसी मीन्स एंजाइम कमीशन नंबर. हर एंजाइम का अपना एक 4 डिजिट का कोड होगा और वो कोड उसको डिस्क्राइब करेगा. तो जितने भी एंजाइम हमारे हम सुनते हैं या डिस्कवर हुए हैं तो हर एक का 4 नंबर का कोड है जो हर एक का डिफरेंट है, राइट. तो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज और 6 कैटेगरीज के आगे उसके सब टाइप्स हैं जिनके कोड्स हैं जो 4 डिजिट के वो अलग अलग हैं. अकॉर्डिंग टू IUBMB उन्होंने क्या कहा कि जो रीसेंट नॉमनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग एवरी एंजाइम इज कैटेगराइज इनटू 6 कैटेगरीज. मतलब ये 6 ही तरह के एंजाइम्स हमारे पास होंगे. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड वन इज ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज. दीज आर 6 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स और इसके सब टाइप्स आगे बहुत हैं, ठीक है, बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं और एवरी सब टाइप हैज 4 डिजिट कोड, राइट. तो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑक्सीडो रिडक्टेज. एज अ नेम इंडिकेट ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज रिडक्शन, एज मीन्स एंजाइम. ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करे रिएक्शन में, दैट एंजाइम इज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल AH2+B टाइप की रिएक्शन है, A+BH2 टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ NAD पॉजिटिव एंड एंजाइम इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज. वट इट विल डू, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अब्सट्रैक्ट कर लेगा, NADH बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पाइरूवेट की फॉर्मेशन हो जाएगी. मीन्स एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम.
सेकेंड इज ट्रांसफीरेज, एज अ नेम इंडिकेट कि ये कुछ ट्रांसफर करेगा, ठीक है। दिस क्लास ऑफ एंजाइम ट्रांसफर वन ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ और ग्रुप ट्रांसफर करेगा, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एनी ग्रुप राइट टू अनदर सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल एलेनिन है और अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। ट्रांसफीरेज एंजाइम आया, उसने क्या किया, ये वाला जो कीटो ग्रुप था दिस इज ट्रांसफर्ड इन टू दिस पोजिशन एंड NH3 इट इज ट्रांसफर्ड इन टू दिस पोजिशन, मीन्स इट इज ट्रांसफरिंग द ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, दैट्स वाई नेम इज ट्रांसफीरेज राइट। थर्ड हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रोलेज अगेन द नेम इंडिकेट्स ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में इन्वॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड ले लिया हमने, लाइपेज एंजाइम ले लिया एंड विद एडिशन ऑफ वाटर व्हाट विल हैपन, बॉन्ड ब्रेकेज अकर्स इन दिस साइड, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकेज होगी, वाटर की एडिशन ऐसे होगी आपके पास एंड वी आर गेटिंग ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ओके। दिस इज फंक्शन ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। फोर्थ कैटेगरी इज लाइपेज एंजाइम। इन दिस एंजाइम क्या होगा, ईदर इट कैन रिमूव ग्रुप्स टू जनरेट डबल बॉन्ड राइट, और इट कैन डू एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ फ्यूमरेट इज देयर, एडिशन ऑफ वाटर, फ्यूमरेज इज एंजाइम, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास OH की एडिशन हो जाएगी, वाटर की एडिशन कर दी हमने, ओके। मैलेट इज एंड प्रोडक्ट। आइसोमेरेज, दीज एंजाइम कैटालाइज इंट्रामोलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप्स का ट्रांसफर होगा एक पोजीशन से अनदर पोजीशन, ठीक है, तो वो किसका काम है, आइसोमेरेज एंजाइम का। तो जैसे हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो सेम काम इसका है कि विद इन द मॉलिक्यूल इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनीथिंग एनी ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज फंक्शन ऑफ आइसोमेरेज। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग दिस एंड वी आर यूजिंग फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम, तो ये क्या करेगा, इसकी जो पोजीशन है इस ग्रुप की ये चेंज हो जाएगी विद दिस, इट कम्स हेयर एंड इट गो हेयर एंड वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल रिमेन्स सेम बट पोजीशन ऑफ ग्रुप्स इज चेंजिंग। सिक्स इज लाइगेज एंजाइम। इन दिस ये एंजाइम करेगा क्या, इट कैन लिंक टू सबस्ट्रेट्स टुगेदर, दो सबस्ट्रेट हैं हमारे पास जैसे सबस्ट्रेट नंबर वन सबस्ट्रेट नंबर टू, इट कैन लिंक दीज टू सबस्ट्रेट्स टुगेदर यूजली विद साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CCCSCOCN बॉन्ड्स बाय कंडेंसेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ATP। तो ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे दो सबस्ट्रेट आएंगे विद दी एडिशन ऑफ ATP, ठीक है। तो DNA लाइगेज जैसे यहाँ पे एंजाइम ले लिया, दोनों सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे, दिस इज लाइगेज एंजाइम राइट। नाउ ये क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ी थी, दीज आर द सिक्स कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, विच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द IUBMB कमीशन। उन्होंने बताया कि ये छह कैटेगरीज हो सकती हैं जिनके आगे सब टाइप्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं और सबका कोड अलग अलग है जो उनके कुछ फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है, ओके। अब है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्लासिफाई द एग्जाम एंजाइम्स, तो ये नहीं कि ये सिक्स कैटेगरीज ही लिखनी है, दीज आर ऑल्सो टू सब टाइप्स विच आर एंजाइम्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। लोकेशन के बेस पे एंजाइम हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर। एज अ नेम इंडिकेट इंट्रा सेलुलर मीन्स सेल के अंदर रहते हैं और सेल का ही फंक्शन करेंगे, इंट्रा मीन्स विद इन द सेल राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है और वहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन करता है। बट इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या होंगे, इट्स इज सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल बट इट इज सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल फॉर डूइंग द फंक्शन, मतलब बनते सेल्स के अंदर ही है
बट सेल उसको कहीं और रिलीज करेगी फॉर डूइंग द सर्टन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाई पेनक्रियाज. पेनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार. बट पेनक्रियाज इसको यूज नहीं करती, बट इट कैन ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम. यहाँ पे आके इसका यूज होता है फिर, राइट. दिस इज ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट द एंजाइम्स, जिसमें हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए बेसिक, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली जनरल, उनके नेमिंग का पैटर्न पढ़ा था कि कैसे था, होते क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी एक्टिव साइड और इसकी थ्योरीज, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. इफ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो अबाउट दिस इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.